वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्किपा तमहं वन्दे श्री गुरु तेन तारणम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन। आज अध्याय 13 और श्लोक संख्या 8 से हम देखेंगे और देखते हैं कितना क्या हम आज समझ सकें, प्रयास करेंगे जितना समझ सकें। शुरू करने से पहले, एक्चुअली भागवत गीता भागवतम ना, ये कोई ग्रंथ मतलब बुक्स के हिसाब से नहीं है, बुक्स या चैप्टर या हिसाब से है। ये तो दिव्य संवाद है रसा स्वादन करने के लिए। भागवत गीता तो हमें भगवान का साक्षात परिचय देता है, बहुत जीवन के पहलुओं को बहुत सुलझा देता है। भागवतम तो रसदार है, एकदम रसदार। चैतन्य चरित्र भागवतम डूबने के लिए, चैतन्य चरितामृत भी डूबने के लिए। चैतन्य चरितामृत तो पढ़ा नहीं जाता, उसको पढ़ने के लिए नहीं, उसको तो रोने के लिए। चैतन्य चरितामृत तो, चैतन्य चरितामृत तो क्रंदन करना सिखाता है हमें, क्रंदन करने के लिए। भागवतम तो रसदार है, हमें आनंद की अनुभूति कराता है। क्या भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन कराता, पूरा वीडियो दर्शन। चैतन्य चरितामृत तो वास्तव में भगवान से हम कितने ये सेपरेशन विरह को अनुभव कराने के लिए वो है। तो ये कोई ग्रंथ इस हिसाब से नहीं है, बुक स्टोर के हिसाब से या कोई हमारे एनालिटिकल स्टडी के हिसाब से नहीं है, कुछ इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल एनालिटिकल हो। जितनी आत्मीयता हम ला सकें उतना बढ़िया। तो एक प्रश्न है, बताइए, बच्चे को, छोटा बच्चा होता है, उसको दौड़ना सिखाया जाता है क्या? क्या कहोगे, छोटा बच्चे को दौड़ना सिखाया जाता है क्या? नहीं, छोटा बच्चे को चलना सिखाया जाता है क्या? हाँ, और छोटे बच्चे को रेंगना सिखाया जाता है क्या? घुटनों के बल रेंगता है ना, इसे क्रॉलिंग बोलते हैं ना? नहीं नहीं। तो देखो, देखिए, रेंगना क्रॉलिंग करना नहीं सिखाया जाता। सतही सत अपने आप बच्चा रेंगना क्रॉलिंग करना करता है, कोई नहीं रोकता, करता है वो अपने आप से। लेकिन उसको चलना नहीं आता है, चलने में डर, कैसे कैसे दो पैर कदम रखूं, पैर दोनों रखूं बराबर, कैसे खड़ा हो सकूं, है ना, दो पैरों पे, और कैसे फिर एक कदम बढ़ाऊं फिर एक बढ़ाऊं, वो चलना नहीं आता उसको। तो चलने के लिए उसको सहारा चाहिए कि भाई कोई हाथ पकड़ो है? और फिर कोई एक कदम बढ़ाओ फिर दूसरा कदम बढ़ाओ, ऐसे करके उसको थोड़ा सहारा दो, कॉन्फिडेंस आएगा। थोड़ा सा चलाए तो उसको पता चलेगा, उसको बोलो भाई ऐसे एक कदम बढ़ाओ फिर दूसरा कदम बढ़ाओ फिर तीसरे, फिर से एक कदम बढ़ाओ, वो थम से सही से रह गया तो फिर बढ़ाओ। तो इतना होते बच्चा को थोड़ा सा ऐसा ट्रेन मिले ना, ट्रेनिंग चलना सिखा दे, तो फिर भागना तो अपने आप सीखता बच्चा। भागना क्या है उसके लिए? नेचुरल वृत्ति है। फिर एक बार चलना सीख गया बच्चा तो भागना तो उसके लिए नेचुरल वृत्ति है ना, फिर तो भागेगा ही, फिर चलता थोड़ी ना बच्चा, वो तो बस भागना चाहता है, भागू भागू इधर उधर, है ना। क्रॉलिंग भी वैसे नेचुरल वृत्ति है ना, केवल चलना उसको सिखाया जाता है, चलने में हाथ पकड़ना, हैंड होल्डिंग इत्यादि रहता है। उसी प्रकार देखिए, ये जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा हम सभी में है, आस्तिक हो या नास्तिक हो, है ना, श्रद्धा हम सभी में। तो वो श्रद्धा हम सभी में मतलब वो क्रॉलिंग करने की,
वो सभी में हम सभी श्रद्धा का एक्सरसाइज सभी करते हैं, मानो ना मानो ना, जो आस्तिक हो नास्तिक हो कोई भी हो, श्रद्धा का एक्सरसाइज सभी करते हैं, जिस प्रकार हर बालक हर बच्चा क्रॉलिंग करता ही है, वो घुटनों के बल रेंगना इत्यादि वो खुद करता ही है, और वैसे ही श्रद्धा का एक्सरसाइज सभी करते हैं, श्रद्धा का उपयोग, श्रद्धा सभी श्रद्धालु ही है, श्रद्धा लेके ही चलते हैं। जीव श्रद्धा मतलब क्या, जीवन का कुछ ना कुछ आधार ना, कुछ अस्तित्व, कुछ मूल, वो सभी का होता है, एक प्रिंसिपल, एक आइडियोलॉजी, विचारधारा, आधार, एक मूल है ना, बेस सभी का होता है, भले आस्तिक हो या नास्तिक हो। अब उस श्रद्धा को अच्छे संग में एक्सरसाइज करा जाता है, वो हुआ वॉकिंग के समान, बच्चे को हैंड होल्डिंग चाहिए होता है ना, क्रॉलिंग तो करता हूँ मैं आगे आप, लेकिन मेरे को हैंड होल्डिंग करके हाथ पकड़ के मेरे को चलना सिखाओ, बताओ कैसे चला जाए, तो वो ट्रेनिंग, तो वैसे ही श्रद्धा सभी की है, और वो ट्रेनिंग करके श्रद्धा को कन्विक्शन परिपक्व बनाया जाता है, कन्विक्शन में, और एक बार कन्विक्शन व्यक्ति का पक्का हो गया तो फिर क्या ना, वो एक ही, और एक बार कन्विक्शन जागृत हो गया और उसको मजबूत बना लिया, रुचि पूरी मजबूत हो गई, कन्विक्शन निष्ठा मजबूत हो गई, रुचि के स्तर पे आएंगे, रुचि मजबूत हो गई पूरी स्टेबलाइज हो गई, तो फिर क्या, आसक्ति, आसक्ति भाव प्रेम, ये भागने के समान, भगवान की ओर भागने के समान, आसक्ति भाव और प्रेम, और ये कोई कोई रोक नहीं सकता। एक बार रुचि परिपक्व हो गई ना भजन में, रुचि नेचुरल एक रुचि उत्पन्न होगी ना, नेचुरल इंक्लिनेशन, तो जीव आसक्त होगा ही होगा, होना ही चाहेगा, और आसक्त होके फिर वो भागने के समान है, आसक्त होना भागने के समान है, भाव उत्पन्न करना, प्रेम उत्पन्न करना, वो भागने के समान है। श्रद्धा का है, उस श्रद्धा को क्रियान्वित करना, क्रॉलिंग है उसको क्रियान्वित करना, और ये चलने का स्तर समझो आप भजन क्रिया है ना, श्रद्धा है साधु संघ किया भजन क्रिया, भजन क्रिया में वो चलने सीख रहा है, और चलना सीख रहा है अनर्थ निवृत्ति, कहीं अपने आप को अनर्थों से मुक्त करते हुए, फिर निष्ठा रुचि ऐसे आते हुए, तो ये हो गया लर्निंग टू वॉक, चलने के बराबर, और एक बार बालक चलना सीख जाए तो सहज उसका दौड़ना होता है, तो वैसे एक बार हमारी रुचि निष्ठा रुचि पूरी परिपक्व हो जाए, रुचि के स्तर पे आए तो हम भागने लगेंगे, आसक्त होना ही चाहेंगे भगवान से, भाव उत्पन्न करेंगे ही करेंगे हम, फिर हम भावपूर्ण भजन करना चाहेंगे, और प्रेम के संबंध में, प्रेम के परिणय में भगवान से पूरा का पूरा हम बनना चाहेंगे, तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हम सजातीय साधु संघ में, सजातीय साधु संघ वरिष्ठ वैष्णवों के संघ में, वरिष्ठ वैष्णवों के संघ में हम सजातीय संघ को अपनाएं, सजातीय बुद्धि, सजातीय विवेक, सजातीय मूड उसको अपनाएं, तो अच्छे साधु संघ में हम चलना सीखें भक्ति के मार्ग में, और फिर जल्दी ही इसी जीवन में हम आसक्ति के सोपान तक तो आए ही आए, इतना तो कम से कम हम करें आसक्ति के स्टेज में, तो ये रागानुगा भक्ति हमें एम करना है, वैधि भक्ति हमारा लक्ष्य नहीं है, हम जरूर कर रहे हैं वैधि भक्ति मतलब नियम कानूनों के साथ, करना भी चाहिए अनिवार्य भी है, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा एम या हमारा पर्पज या वो गंतव्य नहीं है, हम तो रागानुगा भक्ति में ना, रूपानुगा भक्ति में, उसमें अपने आप को लाना चाहते हैं, गोस्वामियों के अनुगत होके भगवान की प्रेम में सेवा, तो इस आशा अभिलाषा के साथ हम अपने भागवत गीता का अध्ययन आगे बढ़ाते हैं क्रम को, अध्याय 13 श्लोक संख्या 8 से देखेंगे, इसी प्रार्थना हमेशा ही हमें हम तो प्रार्थना पे आश्रित है ना, साधक तो एक जीव तो प्रार्थना पे ही आश्रित है, और प्रार्थना के माध्यम से क्या, देखिए भगवान की कृपा का स्मरण चिंतन गुणगान, भक्तों की महिमा का स्मरण चिंतन गुणगान, और प्रार्थना से कुछ मांगना भी चाहिए, दोनों चीज ना, एक तो गुणगान करना कीर्ति करना, और फिर
मांगना भी चाहिए। भगवान से क्या मांगे? भगवान की प्रेम में ही सेवा मांगे, प्रेम में ही सेवा मांगे, भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग मांगे, सानिध्य मांगे, और उनके अंदर गाइडेंस, ट्रेनिंग, शेल्टर, सेवा, उसी को मांगे। तो इस आशा अभिलाषा के साथ हम आगे बढ़ाते हैं भागवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 8 से। स्क्रीन शेयर करते हैं, और अनुजा यू रीड ट्रांसलेशन, और हर्षा तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़ना, फिर नेक्स्ट अनुजा हिसाब से शेयर करते हुए देखेंगे। अमानित्वम् अमानित्वम् अद अमानित्वम् अदभिम्बत्व अहिंसा शांतिर आर्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्ति असक्तिर अनि विश्वंग पुत्र दार गृहेषु आदिषु नित्यं च समचित्वम् अष्टाद्निष्टोपपत्तिषु मैचान्येन योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी विविक्त देश देश सेवित्वम् अर्तिजन जन संसदि अध्यात्म ज्ञानी ज्ञान नित्यत्वम् तत्वा ज्ञानार्थ दर्शनम् एतद् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् ज्ञानम् यत्तो यत्ततो अन्यथा। के अनुजा अनुवाद पढ़िए, हर्षा तात्पर्य का पहला पैराग्राफ पढ़िएगा। विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा आवाज थोड़ी धीरे आ रही है ऐसा लग रहा। विनम्रता अब आ रही है आशीष? हल्का सा बेटर है लेकिन फिर भी थोड़ा धीरे ही लग रहा। ठीक है, बढ़िया। विनम्रता, हाँ बराबर है। ओके, विनम्रता दंभहीनता अहिंसा सही शुनुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य सनातन स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव मेरे प्रति निरंतर अन्य भक्ति ने अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह अब अज्ञान है। वह सब अज्ञान, वह सब अज्ञान है। हर्षा पढ़िए पहला पैराग्राफ। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है।
यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है। यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मई चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अवसान मतलब एक प्रकार से समझे श्रेष्ठता या कल्मिनेशन कि भाई कहाँ पे उसका मिलन, कहाँ क्या उसका प्रयोजन, पर्पस, क्या ज्ञान की क्या श्रेष्ठता है, ज्ञान का क्या शोभा है, ज्ञान की क्या वास्तव में उपयोगिता है, ज्ञान कहाँ जाके परिणित होता है या कहाँ कल्मिनेशन है, ज्ञान अपनी सार्थकता कहाँ पे पाता है, अपनी भरपूरता कहाँ, कंप्लीटनेस को पाता है भगवान के श्री चरण कमलों में की सेवा में ना, अनन्य भक्ति में। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उनके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती है, हो आती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भार्गवत्यकिंचना सर्वे सर्वैर्गुणैस्तत् समासते सुरा। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है, इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। आवाज फिर से धीरे आ रही है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता, अमानित्व का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने की इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दोनों
दोने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करें और वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं। अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों की विपत्ति में न डालना। ठीक है, अन्य को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा गृहस्थ रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हो और इस भवबंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। सहिष्णुता शांति का अर्थ है कि मनुष्य अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। अच्छा, कंटिन्यू रीडिंग। सरलता आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह
अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का, फिर आगे देखेंगे। हाँ, पवित्रता तक बहुत सुंदर श्लोक का बहुत सुंदर अनुवाद है ना, बहुत सुंदर संदेश भगवान दे रहे हैं और बहुत सुंदर अनुवाद प्रभुपाद, ये तात्पर्य प्रभुपाद जी के तात्पर्य तो गजब के है। कितना रस भरा हुआ है, कितना ज्ञान भरा हुआ है, दिव्य ज्ञान, कितना प्रेम, कितना समर्पण, कितनी समझ, क्या कुछ नहीं दिया प्रभुपाद जी ने इन तात्पर्य में, सब कुछ भर भर के दिया हुआ पूरा का पूरा। तो जैसे विनम्रता है ना, सबसे पहले ये बता रहे हैं ना विनम्रता। एक्चुअली एक प्रश्न करें, ये विनम्रता और क्या अनुवाद में ना, विनम्रता और दंभहीनता। दंभहीनता, दंभ मतलब प्राइड, घमंड, अहंकार, और दंभहीनता मतलब कोई घमंड नहीं, अहंकार नहीं, प्राइड फ्री, फ्री फ्रॉम प्राइड, है ना। और विनम्रता भी जनरली ऐसा ही समझा जाता है ना, दे जनरली सीम टू बी सिनोनिमस, ह्यूमिलिटी एंड प्राइडलेसनेस। तो ये प्रश्न या बताइए, विनम्रता और दंभहीनता, इनमें क्या अंतर है, कुछ अंतर है क्या? सामान्य रूप से तो समाज में इतना चर्चा नहीं होता है मेरे ख्याल से, ना ही विनम्रता पे ना ही दंभहीनता पे। विनम्रता पे तो होती नहीं है, और ना ही पता नहीं कहीं कोई सिखाया समझाया या कैसे व्यवहार में इसको लाया जाए, क्या समझा जाए। तो विनम्रता मतलब ह्यूमिलिटी, और दंभहीनता घमंड नहीं होना, प्राइडलेसनेस। तो क्या अंतर है इनमें, या सामान्य है क्या दोनों एक दूसरे के? देखिए कुछ ना कुछ तो अंतर है, अगर दोनों सेम होते तो फिर भगवान क्यों बोलते, दोनों ही क्यों बोलते, एक ही बोलते ना, पूरा सेम तो नहीं है, ओवरलैप जरूर है। या इस हिसाब से प्रश्न देखिए, क्या विनम्र व्यक्ति दंभहीन व्यक्ति होता है, और क्या दंभहीन व्यक्ति विनम्र होता है? क्या विनम्र व्यक्ति, हम्बल व्यक्ति दंभहीन होता है, प्राइडलेस होता है, या क्या प्राइडलेस व्यक्ति हम्बल भी होता है? हाँ बोलिए, आवाज फिर धीरे आ रही थोड़ी। क्या हम्बल व्यक्ति प्राइडलेस व्यक्ति प्राइडलेस होता है? प्राइडलेस व्यक्ति हम्बल हो ऐसा जरूरी नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए जो विनम्र है वो तो सर्वगुण संपन्न है भाई। जो विनम्र है मतलब वो भगवान की सेवा में
जुड़ा हुआ है। अर्जुन विनम्र है ना, विनम्रता मतलब क्या कि जो भगवान को मर्जी, जो भगवान चाहे हम करने के लिए उसको तैयार है, तत्पर है। ये विनम्रता, विनम्रता मतलब कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलना, कोई अपना अलग एजेंडा नहीं होना, कोई अपनी अलग रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अपनी विनम्रता मतलब कोई पर्सनल गोल नहीं है, पर्सनल लाइफ पर्सनल एजेंडा बोल के नहीं है, जो गुरु गौरांग चाहेंगे वही वही मैं करूं, उनके आदेश के अनुसार ही जीवन का पालन करना, उनकी सेवा के लिए सेवा परायण हुए रहना, ये विनम्रता है। उसमें ये नहीं देखना मैं ये नहीं सेवा करूंगा, वो नहीं सेवा नहीं करूंगा, ये पसंद नहीं है मुझे, वो पसंद नहीं है ना। हम्बल मतलब वंस हम्बल वी शुड बी ऑलवेज हम्बल, ह्यूमिलिटी बिना, ये कोई व्यास पूजा के दिन की बात नहीं है कि आज गुरुदेव की व्यास पूजा और मैं थोड़ा हम्बल हूँ, या जन्माष्टमी राधा अष्टमी की बात नहीं है। जैसा समर्पण सरेंडर ना, समर्पण हर क्षण होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जन्माष्टमी आ गई तो आज हम समर्पित हो गए, एक हफ्ता पहले जन्माष्टमी के, एक हफ्ता बाद जन्माष्टमी के, गुरुदेव जी की व्यास पूजा है तो आज हम समर्पित है, या आज विशेष कोई दिन है वैष्णव दिवस में तो हम समर्पित है ना। समर्पित तो हमें हमेशा ही, हर मोमेंट, हर मोमेंट। इसीलिए इस ये प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है ना, प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है। डेथ कब आएगी? डेथ आएगी कोई एक मोमेंट में, है ना, डेथ आएगी लेकिन आएगी कोई एक मोमेंट में ही आएगी ना, ऐसा थोड़ी थे 1 घंटा 1 दिन के लिए डेथ आई है ना। मृत्यु कब आएगी? मृत्यु आएगी, देखो मृत्यु आएगी 7 दिन में से कोई भी 1 दिन के अंदर, है कि नहीं, 7ों दिन में कोई 1 दिन में आ सकते हैं मृत्यु, फिर 2400 घंटे में कभी भी आ सकती है मृत्यु, है ना, और कोई एक क्षण तो आएगी ना, कोई एक पल, कोई एक क्षण तो आएगा। तो हम अपने आप को उसी तरह से, हर क्षण अगर हम समर्पित हो, हर क्षण अगर विनम्र है, तो फिर क्या भय मृत्यु का, कोई भय नहीं। और जीवन में मृत्यु से पहले ही सारा भय का समाधान कर लेना है, एक्चुअली मरने से पहले ही, शरीर छोड़ने से पहले ही सारा भय का समाधान कर लेना है। तो अगर हम अभी विनम्र बन जाए, आज से अभी से ही लेके अगर हम समर्पित बन जाए हर क्षण, तो समाधान है। जैसे तात्पर्य में भी थोड़ा है ना, और ऐसे देखिए जीवन के हमारे 50% से ज्यादातर ज्यादा है हमारी समस्याओं का थोड़ा समाधान हो जाएगा, या हम बराबर आ जाएंगे जब हम ये समझ लें कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, ये इतनी अनुभूति, ये साक्षात्कार हमारा हो जाए, रियलाइजेशन एक्सपीरियंस कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। और उससे ऊपर जब हम विनम्र हम्बल बन जाए, तो बाप रे फिर संसार में हमें कभी ह्यूमिलिएशन अनुभव नहीं होगा, होता है ना ह्यूमिलिएशन, अपसेट हो जाना। हम अपसेट क्यों होते हैं? क्योंकि हम हम्बल नहीं है, हम हम्बल नहीं है। और हम्बल की परिभाषा क्या, हम्बल की विनम्रता की परिभाषा ये नहीं कि मैं थोड़ा झुक के चलूं, या मैं चुप बोलूं, कम बोलूं, विनम्रता का ये अर्थ नहीं है कि फिर मैं प्रसाद में सबसे पीछे ही खड़ा रहूं, या मैं आगे नहीं बढ़ूं, ये नहीं करूं ना, विनम्रता का ऐसा मतलब नहीं है। ये कोई जेस्चर, हमारे पहनावा, बोलने का ढंग इत्यादि, उससे मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हम ऊंचे कंठ से, ऊंचे स्वर से बोले, अभद्र बोले, वो नहीं। विनम्र मतलब क्या, गुरु गौरांग की सेवा में अपने आप को तत्पर रखना, भगवान क्या चाहते हैं, भगवान के हृदय के भाव को समझना, भक्तों के हृदय के भाव को समझना, गुरुदेव के हृदय के भाव को समझना, और उसके अंतर्गत अपने आप को रखना, ये विनम्रता है। क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम शुद्ध जीव नहीं है, बद्ध जीव है, तो हमें वो भाव है नहीं कि भगवान के भजन में जुड़े हैं, कैसे करा जाए। और बात करी ना आज ही, हमें आसक्ति, कम से कम आसक्ति को तो एम करना ही, लक्ष्य करना ही है इसी जीवन में। आसक्ति में नहीं आएंगे तो भाव प्रेम में कहाँ से हमारा प्रवेश हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, असंभव है। आसक्ति के सोपान तक तो आना ही आना है। तो
विनम्र अगर हम हो गए ना तो संसार में हम अपसेट नहीं होंगे, फिर ह्यूमिलिएट नहीं होंगे अपने आप को, वरना तो संसार हमें ह्यूमिलिएट होते रहेंगे, हम होते रहेंगे। अब संसार में एक प्रकार से बताऊं तो कुछ भी जस्टिफाइड नहीं है बाबा। क्या जस्टिफाइड है? इन जस्टिफाइड इन द सेंस कि वो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अरे बाप रे, ये तो जब तक भक्त नहीं बनते तभी द्वंद्वों में पड़े रहते हैं और कर्मों के और इच्छाओं के वशीभूत अपने रहते हैं। अब हम साधना क्रम में ना, अब हम साधना क्रम में तो ना हमें कोई जस्टिफिकेशन चाहिए और ना हम कुछ उससे जस्टिफाई कर सकें ऐसा। अब तो हम साधना क्रम में एक ही ओर बढ़ना में, रागानुगा भक्ति की ओर, रूपानुगा भक्ति की ओर, है ना। हम रूपानुग बने मतलब रूपा गोस्वामी के अनुगत में चले, तो गोस्वामियों के परंपरा के अनुगत रहते हुए, फॉलोअर बनते हुए ऐसी भक्ति में। और इसमें ये नहीं है कि हम फिर बड़े बड़े कार्य ना करें समझो, या प्रोजेक्ट्स इत्यादि ऐसा ना करें। नहीं, अर्जुन ने किया ना, भागवत गीता का अर्थ दर्शन संदेश तो सरल ही है। क्या कि भगवान चाहते थे युद्ध हो और अर्जुन को इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, लेकिन उन्होंने युद्ध किया। तो यही विनम्रता है, भगवान की इच्छा थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कैसे प्रसन्न किया जाए व्यक्ति को? व्यक्ति की इच्छा समझे, क्या उनको चाहता है, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, और उस हिसाब से अपने आप को नियोजित करें। वही अर्जुन ने किया, भगवान की इच्छा को समझ ली और उस इच्छा के अंतर्गत अपने आप को नियोजित कर दिया। तो ये विनम्रता। और दम्भहीनता कोई जरूरी नहीं है, व्यक्ति विनम्र है तो दम्भहीन भी हो, नहीं, व्यक्ति अगर दम्भहीन है तो विनम्र भी हो, कोई जरूरी नहीं है। विनम्र व्यक्ति तो दम्भहीन होगा ही होगा, विनम्र व्यक्ति तो सर्वगुण संपन्न है। और महाप्रभु की शिक्षा में यही कहते हैं ना महाप्रभु, कीर्तन्य सदाहरि, हमारा लक्ष्य है, ये हमारा टास्क है। इस संसार में सबसे बड़ा कठिन कोई टास्क है तो वही है, या सबसे ऊंचा कोई टास्क है ना तो यही है, कीर्तन्य सदाहरि, भगवान के सतत स्मरण कीर्तन गायन में चिंतन में अपने आप को नियोजित करना। और यही उद्देश्य है, यही उद्देश्य है जीवन का। तो इस विनम्रता को पाने के लिए ना, इस विनम्रता को समझे अगर कि भगवान गुरु गौरांग की क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं, और वो ऐसे ही मैं अपने आप को सेवा में रखूं, तो इसमें सारे गुण आ जाते हैं। फिर व्यक्ति फिर कीर्तन या सदा हरि के मोड में चला जाएगा अगर वो विनम्र बन गया तो। यही विनम्रता है, भगवान का सतत स्मरण, भगवान की सतत गुणगान, भगवान की सतत कीर्ति हमेशा ही ना। तो एक विनम्र आत्मा ही प्रेमी भक्ति ऐसा कर पाएगा, और कोई नहीं। और दम्भहीनता मतलब क्या कि हमें मान नहीं है, दम्भ नहीं है, घमंड नहीं हो, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कोई दम्भहीन व्यक्ति विनम्र भी हो। अभी मंदिर को कुछ रिक्वायरमेंट है समझो, प्रोजेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट है और टेम्पल प्रेसिडेंट हमें कुछ करने को बोले, अब हम उनको क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि भाई मैं ये नहीं करूंगा, मैं कोई घमंड नहीं है लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा। अरे भाई घमंड नहीं है ठीक है, लेकिन जो सेवा है वो तो करनी है ना। तो विनम्र व्यक्ति वो है जो सेवा के लिए एकदम परायण है, तत्पर है। दम्भहीन व्यक्ति कोई नीड नॉट नेसेसरीली ना, ठीक है, वो पीसफुल है, वो क्वाइट है, जेंटल है, घमंड नहीं है उसको, अहंकार नहीं है इतना, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना कि वो विनम्र भी हो गया। फिर विनम्र मतलब हमेशा ही वो समर्पित है, ऑलवेज रेडी, ऑलवेज अवेलेबल, बेस्ट फॉलोअर इत्यादि, ये विनम्रता। तो एक बार अंग्रेजी में हम बात कर रहे थे ना, एक भक्त ने समझाया बताया, बहुत सुंदर लगा मेरे को। क्या ह्यूमिलिटी की क्या परिभाषा? ह्यूमिलिटी इज नॉट टू थिंक लेस ऑफ वन सेल्फ। ह्यूमिलिटी इज नॉट टू थिंक लेस ऑफ वन सेल्फ बट टू थिंक वन सेल्फ लेस, या उल्टा है क्या? ह्यूमिलिटी इज नॉट टू थिंक वन सेल्फ लेस, कम नहीं समझे अपने आप को, बट थिंक लेस ऑफ वन सेल्फ, जो भी आप देखो अंग्रेजी में बैठा के कहने का आशा है कि विनम्रता ये नहीं कि मैं अपने आप को नीचा, गिरा हुआ, पतित या एकदम ऐसा मानू ना,
विनम्रता यही है कि मैं अपने आप को ज्यादा सेल्फ ऑब्सेशन में ना पड़ूं, वो विनम्रता। जितना मैं सेल्फ ऑब्सेशन से फ्री हूँ उतना ही विनम्र हूँ। हाँ, तो इस सेल्फ ऑब्सेशन से मैं फ्री होना है, कृष्णा ऑब्सेशन में हमें प्रवेश पाना है। अब देखिए, भजन में आने से पहले, साधना में आने से पहले हमें अनुभव नहीं होता कुछ भी कि सेल्फ ऑब्सेशन क्या है, या ठीक है ये तो नॉर्मल है ना, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए। अभी साधना क्रम में अनुभव होता है कि देखिए बाप रे, मैं कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। हाँ, बाहर से लगता है कि 5 साल से भजन कर रहे हैं इत्यादि, लेकिन कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। और इस चीज को ही हमें हटाना है, सेल्फ ऑब्सेशन से फ्री होके भगवान के चरण कमलों का सतत स्मरण। विनम्रता ऐसा नहीं है कि अपने आप को नीचा दिखाना, नीचे से नीचा समझना, कम समझना, ये नहीं कि मैं तो गया बीता हूं ना। विनम्रता है कि अपना मैं, ये मैंपना को छोड़ना, ये विनम्रता है। मैं तो रहेगा, शुद्ध मैं पे आना और मैंपने को छोड़ना। तो ये भेद है विनम्रता और दम्भहीनता में, हाँ, ह्यूमिलिटी और प्राइडलेसनेस में। संसार में हम देखते हैं प्राइडलेसनेस की मूल्य है, उसका स्थान है, और हम देखते हैं लोगों में कितना प्राइड कम है, कितना कम है, और बहुत आकर्षण भी लगता है ना। कोई वैरागी है या कोई प्राइडलेस नहीं, प्राइडलेस है व्यक्ति, तो बहुत आकर्षण लगता है, वाह बहुत हिम्मत का काम कर रहे हो भाई तुम। लेकिन ये जो विनम्रता या वास्तव विनम्रता क्या है, भगवान की सेवा के लिए अपने आप को तैयार रखना ना, भजन में हमेशा ही सतत भजन में प्रवेश पाना, ये विनम्रता है। शारीरिक स्तर से ऊपर उठते हुए सभी कुछ, केवल राधा कृष्ण प्रीत्याद, भगवान की प्रीति सुख वर्धन के लिए हम अपने आप को नियोजित रखें, यही भक्ति। और इसी भाव को हमें पाना है, इस भाव में अंगीकार करना है। बिना विनम्रता के कोई भक्ति नहीं है, बिना विनम्रता के भजन नहीं है। विनम्रता तो सबसे मुख्य अंग है, सबसे मुख्य गहना है हमारा, तो बहुत संभाल के रखना है विनम्रता को। संसार में विनम्र, और ये विनम्रता किससे अपेक्षित है, किससे एक्सपेक्टेड है, स्वयं से ही बाबा। सभी कुछ स्वयं से एक्सपेक्टेड है, दम्भहीनता, विनम्रता, पति पत्नी, सास ससुर, इनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है ऐसा। ये बेंचमार्क हमारे स्वयं के लिए है, औरों को हमें ज्ञान नहीं देना कि भाई तुम विनम्र नहीं हो, तुम ये नहीं हो ना। कंप्लेन तो एक साधक का स्वभाव ही नहीं रहता है, नहीं होना चाहिए कंप्लेन करने का। तो दम्भ, अब संसार में हम हमेशा ही ह्यूमिलिएशन ही फेस करते रहेंगे अगर हम विनम्र नहीं बन पाए। और जब विनम्र बन गए तो फिर हम भजन में प्रवेश कर पाएंगे बहुत सुंदर से। और फिर विनम्रता को भी सतत ही बनाना है, सतत विनम्रता, बढ़ती हुई विनम्रता। तो विनम्रता का ऐसा ही समझ, अगर हम समझ सकें कि जो भी गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए हो उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ। वॉट एवर प्लीजेस गुरु एंड गौरांग, आई एम रेडी टू ऑफर, टू डू, टू एक्ट। और दम्भहीनता कि हाँ घमंड नहीं है हमें, लेकिन कोई जरूरी नहीं है भगवान के काम आ रहे कि नहीं आ रहे, वो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? मान के लिए ललायत ना होना, ये भी नहीं मिलता। मान देने के लिए ललायत होना, मान पाने के लिए ललायत नहीं होना, लेकिन मान देने के लिए अवश्य ललायत होना। मनुष्य जीवन तो मिला ही देने के लिए, सेवा के लिए है, तो इसके लिए ललायत होना, ये विनम्रता है। और क्या गुण बताए? विनम्रता और दम्भहीनता, प्राइड नहीं, घमंड नहीं। घमंड भगवान को पसंद है ना। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहे पावा। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं ना, मेरे को छल कपट
ये सब नहीं सुहाता, भगवान से हजम नहीं नहीं देख सकते। भगवान अपने भक्तों में काम क्रोध नहीं पसंद, और घमंड वो तो और नहीं पसंद, ईर्ष्या और नहीं पसंद, द्वेष पाप रे। तो इनसे मुक्त हो के अब कैसे मुक्त हो पाएंगे? थोड़ा सहजता से मुक्त हो पाएंगे जब भगवान का हम स्मरण करें, चिंतन करें, गायन करें, भगवान के नाम का जप करें। ये सबसे प्रमुख है नाम जप करना। नाम जप करेंगे तो बाकी सारी चीजें बराबर आके बैठेगी। फिर विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा ना। अहिंसा का सामान्य अर्थ तो ऐसा ही समझा जाता है क्या, कि दूसरों पे हिंसा नहीं करें, लेकिन दूसरों को किसी प्रकार से मन बुद्धि अहंकार किसी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचाए। बहुत बड़ा स्तर है, बहुत ऊंचा स्तर है अहिंसा। और अहिंसा का क्या अर्थ है? अहिंसा का अर्थ है कि मैं भगवान की सेवा में जुड़ूं, वही अहिंसक व्यक्ति है, नॉन वायलेंट है, जो भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ है, जो भगवान की सेवा सतत सेवा में जुड़ा हुआ है। अन्यथा देखिए, जहां भी टाइम मिलेगा हम गए, कुछ ना कुछ किया, अहिंसा ठीक है, लेकिन वहां से हम फ्री हो गए, फिर हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला में घुसेंगे। तो अहिंसा को भी सतत बनाना है। ये सतत कैसे बनेगा? जब हम भगवान के संबंधित, भगवत संबंधित घरों में रहें, भगवान की सेवा में जुड़े, तो वास्तव में हम किसी पे हिंसा नहीं करेंगे। और यही यही सबसे बड़ी अहिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा क्या है? भगवान की सेवा में ना जुड़ना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। भगवान का स्मरण, चिंतन, गायन, गुणगान, कीर्तन ना करना, भगवान की सेवा में नहीं जुड़ना, ये सबसे बड़ी हिंसा है। और अहिंसा क्या है? सबसे बड़ा कि हमारा भगवान के साथ प्रेम में ही संबंध है, व्यवहार है, उसमें हम जुड़े, ये अहिंसा है। सहिष्णुता, टॉलरेट करना है ना, टॉलरेंस। बिना टॉलरेंस के, बिना पेशेंस के, बिना कंपैशन के भजन नहीं होता। ऐसा नहीं है साधना कि सुबह पहन लिया शर्ट पैंट और चले गए, और क्या बोलते हैं, मैकेनिकली बस करे जा रहे हैं। नो, वी हैव टू ब्रिंग आउट दिस क्वालिटीज, वी हैव टू प्रे, वी हैव टू एक्ट। और जीवन हमें कितना अवसर देगा, जीवन में हमें बहुत अवसर मिलेंगे इन 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 गुणों को जीवन में अंगीकार करने के लिए, लाने के लिए, और ये स्वयं को ही समझाने के लिए। तो टॉलरेंस साधक अनुभव करेगा, उसको साधना क्रम में करना चाहिए अनुभव कि कितना लेस टॉलरेंट हूँ मैं, कितना इनटॉलरेंट हूँ, और अपने ही इनटॉलरेंट को टॉलरेट करना, ये तो शुरुआत है। खुद के ही व्यवहार को हमें सहना, टॉलरेट करना खुद को, ये शुरुआत है। और ऐसा नहीं है कि हम सहन करते रहे अपने आप को, खुद में ही बदलाव लाना, खुद में शुद्धिकरण करना, आत्म साक्षात्कार स्वयं का ही बात है। दूसरों को ऐसा नहीं है कि हम बोले भाई तुम ये सुधारो वो सुधारो। और प्रकृति से हम कितना देख सकते हैं, विनम्रता सीख सकते हैं, समझ सकते हैं प्रकृति से, दम्भहीनता, और ये टॉलरेंस प्रकृति से देख सकते हैं। विशेष रूप से हम देखते हैं ना पेड़ से, कितने बढ़िया फल देता है पेड़, और सब कुछ सहनता है वो, मौसम, सर्दी गर्मी, तापमान, हवा, ठंड, वर्षा, सब कुछ सहते हुए वो हमें ये भजन में भी जुड़ाता है ना, टॉलरेंस। तो टॉलरेंट भी, जैसे चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम कहते हैं ना, तो टॉलरेंट भी स्वयं से अपने इनटॉलरेंस को हम टॉलरेट करना सीखें, फिर हम दूसरों को भी टॉलरेट करना सीख लेंगे। और उसके लिए एक उद्देश्य, एक लक्ष्य चाहिए ना, एक डेस्टिनेशन, एक पर्पस। तो वो पर्पस क्या है? भगवान की प्रेम प्राप्ति, कृष्णा प्रेम प्राप्ति। इसको लक्ष्य करते हुए अगर हम जीवन में आगे बढ़े, तभी हम बराबर टॉलरेंस ला पाएंगे, सब कुछ ला पाएंगे। अन्यथा केवल टॉलरेंट हो गए और भक्त नहीं बने, तो बहुत बड़ा लॉस होगा, भयंकर बड़ा। और कितनी और मेंटल स्पेकुलेशन में जोड़ लूंगा अपने आप में।
कि मैं तो टॉलरेंट हूँ, मैं तो पीसफुल हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो इन सब का जो आधार है ना, ह्यूमिलिटी, प्राइडलेसनेस, टॉलरेंस, इन सब का आधार भगवान की भक्ति में है, भगवान की सेवा में है, भगवान के नाम जप में है। वृक्ष कितना टॉलरेंट होता है, देखिए, सहन करता ना सर्दी गर्मी, विपरीत ऋतुओं को सहन करते हुए फल देता है, हमें फूल देता है, झुका हुआ रहता है, और वृक्ष को काटते भी हैं और कितना उसका उपयोग करते हैं, हर तरह से वृक्ष देता ही देता है, पेड़ देता ही देता है, ट्री देता ही देता है। अब ये टॉलरेंट में एक प्रश्न है, ये बताइए कौन सा ज्यादा कठिन है, सुख को सहना या दुख को सहना, मान को सहना या अपमान को सहना, जय को सहना या पराजय को सहना, सक्सेस या फेलियर, विक्ट्री या डिफीट, हैप्पीनेस या डिस्ट्रेस, फेम या इनफेमी, किसको सहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मान सम्मान को या अपमान को, धनिक लाभ को या धनिक इसको लॉस को, धनिक हानि को या लॉस को, ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है, इंसल्ट को सहना, लॉस को सहना, फेलियर को सहना या प्रेस को सहना ज्यादा मुश्किल है, प्रेस को सहना ज्यादा मुश्किल है एक्चुअली, सक्सेस को सहन करना बहुत मुश्किल है, आदमी गड़बड़ी कर देता है सक्सेस में ही ना, जब उसको बहुत वाह वाह मिलती है, जब बहुत धन कमा रहा होता है, सब कुछ बढ़िया जा रहा होता है, तभी जाके आदमी कुछ ना कुछ भूल उससे हो जाती है, या सक्सेस को ही मापना, भटकाओ कहाँ पे, सक्सेस में, फेलियर में भटकाओ नहीं है ना, फेलियर में तो एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, टीचिंग्स है, कितना व्यक्ति सीख लेता है, सीख सकता है, वास्तविक भटकाओ कहाँ है, जब वो, इसलिए बोलते हैं ना क्या कबीर जी के दोहे, सुख में सुमिरन जब जो करे तो दुख काहे का होए, है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में सुमिरन सुमेरे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए, ठीक है ना, तो ये जब विपरीत स्थिति हो तो भगवान को तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन अनुकूल में कौन याद करता है, तो टॉलरेट ना, सक्सेस को टॉलरेट करना मुश्किल है, नेम फेम इनको टॉलरेट करना मुश्किल है, अदरवाइज तो टॉलरेट ये फेलियर लॉस इन सब को तो सहन कर लेता है व्यक्ति, मरता क्या ना करता ना भाई, कोई उपाय नहीं है तो सहन कर लेता, लेकिन जब भटकाव कहाँ पे, जब वो सक्सेस ही हो रहा होता है तब भटकाव है, तब भजन शिथिल पड़ जाता है, माला शिथिल पड़ जाती है, मन में विचार आते हैं ठीक है चलो कल परसों, इस हिसाब से फिर चलते रहता है। अब टॉलरेंट ये एक कैसे बनेगा हमारा स्वभाव, जब हम समझे कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के नाम जप में अगर हम जुड़े ना, भक्तों के साथ मंदिर में रह के, आश्रम में रह के, सेवा में जुड़े, तब हम में सारे गुण आएंगे, टॉलरेंस, पीस, काइंडनेस इत्यादि सारे के सारे रहेंगे, लेकिन भगवान की सेवा में अगर नहीं जुड़े तो बहुत कठिन है कुछ ऐसे गुण आना। और ये संसार द्वंद से भरा है, भरा है, डुअलिटी है ना इस संसार में, फूट फूट के, तो जहां पे भी द्वंद है तो वहां तो सहन करना ही होगा, करना ही होगा, और हम सब कुछ क्यों सहना चाहते हैं, कोई जैसे बात करें ना टॉलरेंस या पीस या रेस्पेक्ट, ये कोई हमारी लगती नहीं है चाची नानी दादा दादी इत्यादि इस हिसाब से कि हम सर पे रखें या सहन करें इत्यादि, नो, हमारे हम भक्त बनना चाहते हैं, शुद्ध प्रेम भक्त, हम कोई पीस मैसेंजर, टॉलरेंट, पीसफुल इत्यादि वो सब हमारा लक्ष्य नहीं है, हम तो शुद्ध प्रेमी भक्त बनना चाहते हैं, तो उन्हीं इसी को लक्ष्य करते हुए शुद्ध प्रेमी भक्त बने, इसी को लक्ष्य करते हुए फिर हम सभी को जीवन में अंगीकार करें,
टॉलरेंस को, नो चीटिंग को, नो प्राइड को, और आएंगे तब आएंगे। अन्यथा भगवान की सेवा को बिना लक्ष्य करें हम टॉलरेंट या ये सब नहीं बन पाएंगे, ये गुण और नहीं आ पाएंगे। सरलता भी हमने देखा था, सरलता पवित्रता, और सरलता यही ना, हृदय की सरलता। भगवान को तो सरल हृदय भाता है भाई, और हृदय की सरलता क्या है वास्तव में, पवित्रता सरलता यही है, एक डोर में बंधे रहना, एक ही डोर में बंधे हुए रहना, कृष्ण प्रेम, कृष्ण सेवा, कृष्ण दर्शन, उस अभिलाषा, और इस अभिलाषा को हमारा सतत बना देना, सतत शाश्वत, उसी के लिए और अपने आप को तैयार करना, प्रिपेयर करना। मृत्यु कभी भी आ सकती है ना, सातों दिन में से एक दिन आएगी पक्का, अब कौन से दिन आएगी वो नहीं पता, लेकिन आएगी एक ही दिन में। अब 24 घंटे में से कोई एक क्षण आएगी, आएगा क्षण ही, ऐसा नहीं है घंटों घंटों का कोई खेल चल रहा हो, तो कभी भी आ सकते ना। कितनी हमारी तैयारी है, कितनी तैयारी है उसके लिए, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। यही तैयारी करनी है हमें, सब कुछ सहना इत्यादि, किस तैयारी के लिए, भगवान के दर्शन पाने के लिए, भगवान के साक्षात सेवा पाने के लिए, अस्कलित अनइंटरप्टेड एवरलास्टिंग उस सेवा को पाने के लिए। तब फिर हम टॉलरेट करें, पीसफुल बने, सिंपल बने, सिंपल भी ना एक डोर में, सिंपल मतलब बेवकूफ नहीं, सिंपल मतलब कोई फूल नहीं, नो, सिंपल व्यक्ति तो बहुत समझदार है। सिंपल व्यक्ति क्या, कैसे समझदार है, सेल्फ कंट्रोल्स का बहुत ऊंचा रहता है जो सिंपल है, उसके एम्स एस्पिरेशन हाई रहते हैं, डेस्टिनेशन हाई है, और सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा उसका। बिना व्यक्ति के सेल्फ कंट्रोल हुए ज्ञान नहीं हो पाएगा ना बराबर, या सिंप्लिसिटी तो आएगी नहीं। और आज के जीवन में बाप रे अकेला कहाँ पे है व्यक्ति, कहने का कि कितने भटकाव है ना, कितना कुछ डिस्ट्रैक्शन है, तो कहाँ उसको वो सिंप्लिसिटी मिल सके, बहुत मुश्किल है। सिंप्लिसिटी सरलता इन सभी गुणों पे आना बहुत कठिन है एक्चुअली, इतना सरल नहीं है। लेकिन जो तात्पर्य में बताया ना, सरल क्या बना देता है, भगवान का भजन, भगवान का नाम जप। नाम जप करेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम जप जैसे जैसे हम करते रहेंगे, नाम जप हमारा ज्यादा ज्यादा होते रहेगा ना, भगवान की सेवा में हम जितना जुड़ते रहेंगे तभी जाके ये सारे गुण आते रहेंगे हमें, अन्यथा नहीं। बिना भगवान की भक्ति में जुड़े हम विनम्र नहीं बन सकते, बिना भगवान की भक्ति में जुड़े दमहीनता नहीं होगी, सिंप्लिसिटी इत्यादि नहीं आएगा। और फिर से सिंप्लिसिटी क्या ना, हृदय की सरलता मतलब एक डोर में बनना, मनसा काया वाचा। सरलता से ये मतलब नहीं हम बेवकूफ बने, बेवकूफ की तरह रहें, दिमाग न लगाए ना, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सरलता मतलब कि कूटी नाटी नहीं होना हमें, डुप्लीसिट बिहेवियर नहीं है, सिंपल नेचर है, सिंपल हार्टेड है, सॉफ्ट स्पोकन है, वेल बिहेव्ड है, यही पवित्रता ना? कि व्यक्ति शुद्ध। अब देखिए पवित्र क्या है ना, भगवान के वचन, भगवान के नाम, और उसमें अपने आप को हम लाएं, तभी हमें सारी पर पवित्रता आएगी। बिना पवित्रता के भगवान कुछ स्वीकार नहीं करते ना, भगवान प्रेम के बिना पवित्रता के कुछ स्वीकार नहीं करते। तो एक तो पवित्रता क्या है, शरीर के अपने देखभाल करना, वो शरीर के स्तर पे, बाह्य शरीर के स्तर पे देखभाल और करना रखना, ठीक है, वो अच्छी बात है, अनिवार्य भी है, जरूरी भी है। और एक क्या, अंदरूनी पवित्रता। इसलिए अंदरूनी पवित्रता लाने के लिए साधना क्रम में जुड़ना अति आवश्यक है। भगवान के शरणागत होना, भगवान के नाम के शरणागत होना, हरिनाम के शरणागत होना, भगवत सेवा में
अपने आप को नियोजित करना, तब हम अंदरूनी पवित्रता सब कुछ ला सकेंगे और फिर हमारा अंदर और बाहर कोई भेद नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए। शरीर तो देखिए हमारा जैसा वैसा ही रहेगा और उम्र के अनुसार बढ़ते ही रहेगा इत्यादि, शरीर की यह बात नहीं है। ये जो शुद्धता की बात है, ये जो पवित्रता सरलता की बात है, ये तो चेतना की, चेतना शुद्ध हो चेतना सरल हो कि भगवान की सेवा के अलावा हम दूसरा कुछ स्मरण कुछ चिंतन कोई हमारा एजेंडा में ना बने, भगवान के सुख से ही हमारा सुख लिंक्ड हो, भगवान के सुख से ही हमारा सुख का सारा कुछ चिंतन हो, ऐसे ही हमारी चेतना में। इसलिए ना सेंटर में हमारे भगवान ही हो, जीवन के केंद्र बिंदु केंद्र में भगवान ही रहे, तब जाके सारी चीज आएंगी और उनकी सार्थकता उनकी मूल है, वैल्यू है ना उनके, भाव तभी है। जैसे हमने बात किया ना एक बार, 10 लाख हो, अब 10 लाख रुपए हैं समझिए, लेकिन आगे एक एक नहीं लगा हुआ उस नोट में, उन नोटों में समझो आप, या 10 लाख की संख्या में भी आगे वो एक नहीं है, तो पीछे के जो जीरो है उनकी क्या वैल्यू है? कोई कोई वैल्यू नहीं है उनकी, वो सब जीरो ही बन जाते हैं बस आगे का एक हटा दे तो। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भगवान केंद्र बने और उन वो भगवान हमारे केंद्र जीवन के केंद्र बिंदु बन जाए अगर, तो हम कितने ही एजेंडास कितने ही सर्कल कितने ही हमारे लाइफ के मिशन इत्यादि सब कुछ समाधान पाएंगे सहजता से। लेकिन भगवान अगर हमारे केंद्र का विषय ना बने तो बहुत भटका हुआ है भाई, फिर भटका हुआ है। नए साल में भी आके फिर हम कॉम्प्लिकेटेड पुराने या उस हिसाब से चलते रहेंगे। तो हमारे बुद्धि में तो दोष भरा हुआ है ना, दृष्टि में भी दोष है, बुद्धि में द्वेष भरा हुआ है, द्वेष बुद्धि से हम देखते हैं, ईर्ष्या द्वेष से, दृष्टि में दोष है हमारे देखने में, तो बहुत मुश्किल है भाई कैसे फिर आगे बढ़ सके। तो साधना क्रम में आना अति आवश्यक है, नाम जप करना अति आवश्यक है, डेली नित्यम भागवत सेवा, डेली स्मरण चिंतन अध्ययन करना अति आवश्यक है। तभी बात करें ना कि हमें दौड़ना, अब दौड़ना कोई नहीं सिखाता, वो उसी प्रकार आसक्ति अटैचमेंट नेचुरल वृत्ति है, नेचुरल एंगेजमेंट बनेगा हमारा, नेचुरल फेनोमेना आसक्ति भाव प्रेम है ना। लेकिन इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर तो करना ना, तो निष्ठा रुचि के स्तर पे तो आना ही आना है। और फिर हम यही प्रार्थना करते हैं कि फिर हम एक उड़ान भर सकें, दौड़ सकें भगवान की ओर। तो जो सेंट्रल पॉइंट है वी शुड नेवर मिस दैट, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और सेंट्रल पॉइंट क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति और अनन्य भाव से अगर हम कर सके, बिना कोई छुपे हुए हिडन एजेंडा मोटिव और के, ये अगर हमारा हम इतना लक्ष्य रखें तो फिर सब आएगी, सहिष्णुता टॉलरेंस शांति पीसफुलनेस फॉरगिवनेस एवरीथिंग विल कम अबाउट। भगवान का भजन को अगर हम केंद्र में रखें जीवन के, तो भक्त वही है साधक वही है जो कुछ भी डिसीजन लेता है, वो देखता है कि ये मेरी भक्ति में मेरे को आगे बढ़ाएगा या पीछे लेके जाएगा, उसके अनुसार ही उसके सारे डिसीजन होते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट्स नहीं है ये, पवित्रता टू बी प्योर या टू बी हम्बल, ये सब कोई शो वाली बात नहीं है, एक्सटर्नली दिखाने या ना, इस जेन्युइन क्राई है ये इन क्वालिटीज को अपनाने के लिए। और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं ना, आकर्षित होंगे भगवान इनसे, तो हमें तो भगवान की प्रसन्नता का ही लक्ष्य करना ना, तब हम अपने आप को भगवान के लिए हमें तत्पर रहना, तैयार बनाना अपने आप को, वो साधु संग में होगा। और भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि और हमें बढ़िया से बढ़िया साधु संग दे। ठीक है, यहाँ तक के लिए कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे?
ठीक है, तो आज के लिए यही विराम देते हैं, आगे का तात्पर्य कल से पढ़ेंगे और देखेंगे। स्वच्छता तक आज हमने पवित्रता तक थोड़ा प्रयास करा समझने का। और जाते जाते एक और प्रश्न देखिए, पहले भी कई बार किया ना, तो एक ऐसे गुण बताइए, कैसा गुण का चिंतन स्मरण कर चिंतन करिए, बताइए ऐसा क्या गुण है जो संसारी क्रिया में, संसारी जीवन में, भौतिक जीवन में बहुत वांछनीय है, बहुत डिजायरेबल है, बहुत माननीय है, बहुत सम्मान्य है, बहुत रेस्पेक्टेबल है, बहुत एडमायर्ड है, लेकिन दिव्यता के सोपान में, दिव्य कृष्णा भावनामृत प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस में उसका कोई स्थान नहीं है। तो ऐसा कोई गुण बताइए जो भौतिक जगत व्यवहार में तो बहुत ही वांछनीय है, बहुत रेवर्ड, बहुत अप्रिशिएटेड, हाईली वैल्यूड है, लुक्ड आफ्टर, सॉट आफ्टर है, चाहते हैं, लेकिन प्योर कृष्णा कॉन्शियसनेस में नेचुरली उसका कोई स्थान नहीं है। तो देखिएगा थोड़ा स्मरण चिंतन करके, अगर कुछ स्मरण चिंतन करके और समझाइएगा। ठीक है, आज के लिए ये विराम दें क्या? ठीक है, तो हाँ ठीक है, आपके धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमोरो और आगे का तात्पर्य से देखेंगे प्योरिटी के बाद से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।